हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल असभा का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है आज की ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा मिल जाएगी वहाँ पे जाके आपको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों वैसे तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको फ्री में मिल सकती है लेकिन दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी वो प्रो वर्जन मिलेगी कहने का मतलब है दोस्तों वो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करेंगे और उसके बाद कोई भी अपनी वीडियो बनाने के बाद यानी कि कोई भी वीडियो अपनी एक्सपोर्ट करेंगे इस वीडियो एडिटर से तो वो आपको वाटरमार्क आप देगा ओके दोस्तों जिसका नाम है काइन मास्टर आपने सुना होगा लेकिन मैं आपको जो लिंक दूंगा वहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको वाटरमार्क की दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल फ्री वर्जन मिलेगा ओके दोस्तों तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में लेकिन ट्यूटोरियल के बारे में नहीं बताया तो आज मैं आपको फुल्ली ट्यूटोरियल बता देता हूँ इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ ओके दोस्तों तो बने रहिए एंड तक देखिएगा कुछ भी मिस मत कीजिएगा मैं आपको डिटेल में देता कैसे इसे यूज करना है देखिए दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको यहां पे दोस्तों एक प्लस का आइकन है यहां पे आप प्रोजेक्ट पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तीन रिजोल्यूशन है सिक्सटीन बाई नाइन नाइन बाई सिक्सटीन वन बाई वन का सिक्सटीन बाई नाइन का यूट्यूब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नाइन बाई सिक्सटीन का टिकटॉक जैसी जो एप्लीकेशन होती थी पहले अब तो नहीं है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है मित्रो टाइप की तो उनके लिए आप ये रिजोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं वन बाई वन का यूज़ करना चाहे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं वन बाई वन का ज़्यादातर वो यूज़ होता है जिनमें डुएट क्रिएट करते हैं जैसे कि टिकटॉक में ऑप्शन होता था एक बंदा दूसरे के साथ डोएट बनाता था तो वो वन बाई वन जैसा सिमिलर ही होता था ओके okay, दोस्तों तो अब हम एक ऑप्शन ले लेते हैं सिक्सटीन बाई नाइन का जो कि यूट्यूब के लिए यूज़ होता है ओके okay, दोस्तों अब ये इंटरफेस आ चुका है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है ऊपर मीडिया का ऑप्शन है मीडिया के ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों चलिए हम भी कोई ना कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं देख लेते हैं कोई बढ़िया सी वीडियो ओके okay, दोस्तों चलिए एक चार चार्ली चैपलिन की ये वीडियो है तीस सेकेंड की ये हमने कर ली अगर हमें इसमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं ओके दोस्तों अब दोस्तों ये तो एक लेयर हो गई अगर आप चाहते हैं इसके साथ दूसरी लेयर यूज़ करना तो कुछ लोग क्या करते हैं मीडिया पे जाते हैं तो मीडिया पे आपको नहीं जाना है मीडिया पे सिर्फ आपको एक ही लेयर मिलेगी अगर आपको मल्टीपल्स ऑफ लेयर चाहिए यानी कि यहाँ पे एक लेयर चल रही है इसके नीचे और लेयर चाहिए तो लेयर पे जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन एक और मिल जाएगा यहाँ पे जाके आप मल्टीपल लेयर बना सकते हैं जैसे कि इस वीडियो के साथ साथ जो पहले हमने मीडिया से इम्पोर्ट की थी उसके अलावा और कुछ यूज़ करना है इमेज वगैरह तो आप यूज़ कर सकते हैं चलिए मैं यूज़ करके देख लेते हैं हम लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं दोस्तों एक काम करते हैं ये एक फ़ोटो ये कुछ फोटोज़ हैं चलिए ये मैंने जैसे कि ले लिया ओके दोस्तों अब मैं चाहूँ तो इसे बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकता हूँ ओके दोस्तों इसे घुमाना चाहूँ तो ये घुमा सकता हूँ आप लोगों की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से ओके दोस्तों टच करके इसे ले जा सकते हैं ओके दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लेयर की तो हो गई बात अब दोस्तों अगर आप वॉइस ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो वॉइस का ऑप्शन है ये वॉइस वो ऑप्शन है जो यहाँ पर आप जो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे ओके दोस्तों एक ऑप्शन है जो है ऑडियो का ऑडियो का ऑप्शन वो है जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड ऑडियो है या फिर कोई सॉन्ग है कुछ भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट कैसे करना है इस पर एक बार क्लिक करना है यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है प्लस के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये यह यहाँ यह पे इम्पोर्ट होके आ जाएगा देखिए ये यहाँ पे आ चुका है अगर ये चीज़ आपको डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ चुका है इसे डिलीट कर सकते हैं एक और सेलेक्ट करके अगर आपको डुप्लीकेट करना है कोई चीज़ तो यहाँ पे देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन है लेफ्ट पे यहाँ पे जाएंगे और डुप्लीकेट कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे ही सेंटर हॉरिजॉन्टली हो, सेंटर वर्टिकल ब्रिंग टू फ्रंट फ्रंट पे लेके आना ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड फॉरवर्ड और भी ऑप्शन हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों अब दोस्तों एक ऑप्शन मिडिल में दे रखा है यहाँ पे ओके okay, दोस्तों यहाँ पे एक यह कैमरा का ऑप्शन है और कैम कैम रिकॉर्डर का ऑप्शन है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैमरा के रिकॉर्डर कैम रिकॉर्डर से जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी और वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ओके दोस्तों ये पांचों ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया अब बात करते हैं इसके मेन इफेक्ट्स वगैरह आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको इस वीडियो के साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी यानी कि कट लगाना है कहीं पे, तो आप कट कैसे लगाएंगे कट लगाने के लिए कट का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ओके दोस्तों इस ऑप्शन पे आप कट लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे इस तरीके से लेके जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड इसका मतलब है दोस्तों लेफ्ट का जो प्ले हेड है इस तरीके से क्लिक करने पर गायब हो जाएगा देखिए गायब हो गया अगर आपको राइड का करना है तो आपको इस तरीके से क्लिक करके ट्रिम टू राइड ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करना है ओके दोस्तों अगर आपको बीच में एक कट लगाना है तो स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना है और आपको कोई कोई फ्रेम ऐड करना है बीच में तो, तो चौथा ऑप्शन आपको यूज़ करना है ओके दोस्तों ये हो गई बात इसकी अब कुछ और ऑप्शन बताते हैं जैसे कि आपको ग्राफिक्स ऐड करना है ओके दोस्तों क्लिप कर ग्राफिक्स के ऐड करने तो यहाँ पे जाके आप कुछ ले सकते हैं इस तरीके से सेंटीमेंटल बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक्स दे रखे हैं अ पार्ट ऑफ इट दोस्तों यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन है स्पीड का ऑप्शन आप क्यों यूज़ करते हैं स्पीड का ऑप्शन आप यूँ यूज़ करते हैं जैसे कि कोई पाँच सेकेंड की वीडियो है आप चाहते हैं स्लो मोशन में वो शो हो तो आप स्पीड यूज़ कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटी सी वीडियो एक सेकेंड एक सेकेंड और कुछ मिली सेकेंड की है अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा इस तरीके से तो देखिए ये बढ़ता जाएगा इसका साइज़ ओके दोस्तों तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसकी वीडियो ऑडियो म्यूट करना चाहें तो ऑडियो म्यूट भी कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं रिवर्स करना चाहे रिवर्स का ऑप्शन है मिररिंग करना चाहे रोटेट करना चाहे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इन्हें आप भली बात ही यूज़ कर सकते हैं वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी गिवन है यहाँ पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन क्या होता है अगर आपको इस ऑडियो में जो भी रिकॉर्डेड वॉइस है जिसकी भी वॉइस है वो चेंज करनी है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी वॉइज हैं चिपमोंग चिपमोंग यानी कि दोस्तों एक गिलहरी जैसी आवाज़ आती है ओके okay, दोस्तों स्क्वायरल जिसे बोलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं बहुत सारी यहाँ पे वॉइस आपको मिल जाती हैं अ पार्ट ऑफ इट आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है ऑडियो के ऑप्शन में जाके अगर आपको देखिए डिफ़ॉल्ट ये किसी भी लेयर पे हंड्रेड का सेट होता है सेट होता है अगर आप चाहें तो इसकी ऑडियो इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ऑडियो से खेलना अच्छा लगता है तो यहाँ पे जाके इनका ये सारी सेटिंग भी चेक कर सकते हैं इनका ऑटो वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों इन्हें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन देवे गिविन है जैसे कि अगर आपको ऊपर की इमेज नहीं देखनी ये पूरा देखना यहाँ पर और सारी लेयर आ जाती हैं तो आप इस पर क्लिक करके बार बार इसके साथ भी खेल सकते हैं ओके okay, दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव कैप्चर एंड सेव का मतलब है दोस्तों कुछ भी जो वीडियो रनिंग होगी यहाँ पे उनको आप कैप्चर करना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं और उनको एज अ क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ओके okay, दोस्तों उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो चालू करके देखनी है तो कुछ ओ, ये ऑप्शन यहाँ पर ओके दोस्तों इससे आप खेल सकते हैं इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको बैक जाना है तो बैक का ऑप्शन यहाँ पे एक गिवेन है इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं फॉरवर्ड बैक पर जाना है तो ओके दोस्तों यहाँ सेटिंग का ऑप्शन भी किए है यहाँ पे जाके ऑडियो वीडियो और एडिटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट लेवल की एडिटिंग करना चाहते हैं तो ओके दोस्तों अगर दोस्तों आपकी वीडियो बन जाती है यहाँ पे ओके दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है एक ऑप्शन ये भी है ये दोस्तों ये होता है पोजिशनिंग के लिए इस तरीके से आप वीडियो को पोजिशन कर सकते हैं अपनी को देख सकें हैं दोस्तों इस तरीके से आप खेल सकते हैं इसके साथ और एंड पोजिशन इस तरीके से आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें वो आप इस ऐप की मदद से फ़ोन में कर सकते हैं फुल टूटोरियल मैंने आपको बता दिया है फाइव और सिक्स मिनट की वीडियो मैंने आपको फुल टूटोरियल बता दिया है काइन को ये ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों